बताओ मीडिया में है। एक मिनट मैं इनसे एक सवाल पूछ रहा, आप कितने पढ़े हुए पूछो इनसे। अजी मैं तो अंगूठा छाप हूँ, छोटो बस खत्म करो। सुनो हम कई मगर व्यक्तिगत राजनीति, व्यक्तिगत बात मत करिए, व्यक्तिगत बात मत करिए राजनीति। अरे मुझे यूँ बता दे, तू सरकार बना लेगा का, किस तरह बना लेगा सरकार भाई? आओ ऊपर, ना 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 मेरी बात, सरकार अगर आप, सरकार अगर आप लोग चाहोगे तो बनेगी, सरकार अगर आप लोग चाहोगे तो बनोगी। बस सुनो, बस सोच के ही सरकार बन सकती है, वैसे नहीं बन सकती। अगर जो मैं यूँ चाहूंगा, मैं मुसलमान हूँ, मैं प्रयोग कर दूंगा, कुछ नहीं है। किसका वोट तबा कूद रहा अखिलेश, बता मुझे क्या परसेंट है सबके ऑटो पे। जो बीजेपी को हरा रहे थे और यहाँ से निर्विरोध चुना गया योगेश पुंडीर बीजेपी का, क्यों बताओ सरकार है वो तो निर्विरोध क्यों चुना जाएगा, इसलिए ये क्या जवाब है? अच्छा ये बताओ स्टेज से धक्के क्यों मिल रहे अखिलेश, जब सबको दलित से मार? ऐसे है भाई साहब, मेरी बात सुनिए, सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए। सच्चाई सच कड़वा होता है, अच्छा सुनना चाहिए। सच कड़वा होता है, भीड़ है, भीड़ में अगर जो मेरा हाथ आपके पास लग गया, अच्छा या कुछ भी हो गया, वीडियो निकाल लो, ऐसा हो गया तो जो है ये धक्का नहीं होता। सुनिए ये तो सीधा सीधा जो है, सीधा सीधा और काटने की कोशिश की जा रही है, ये तो सीधा सीधा जो है बीजेपी को फायदा होगा, सीधा सीधा जैसे भाई साहब किससे होगा फायदा, किससे होगा बीजेपी? एक मिनट सवाल करने दीजिए, किससे बीजेपी से फायदा होगा, बीजेपी को फायदा होगा। एक मिनट, यहाँ पे 15 कैंडिडेट जिला पंचायत के बीजेपी के जीते, 35 जीते जो बीजेपी को हरा रहे उनके, और यहाँ से कैंडिडेट निर्विरोध किसका चुनाव हो गया? कुंडीर बीजेपी का। कहाँ से फायदा हो रहा, किसे वोट दे रहे तुम? किसे वोट दे रहे आप? किसे दे रहे? बीजेपी को हराने वाले दे रहे आप? बीजेपी को हराने किसे दे रहे? किससे होगा बीजेपी को फायदा? सीधा 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 ओवैसी साहब से, क्यों पार्टी को वोट हम अगर जो देते हैं तो बीजेपी को फायदा होगा। हमारा कैंडिडेट थोड़े थोड़े वोटों से हार जाएगा। सपा एक ऐसी पार्टी है, सेकुलर पार्टी है, जो सबको साथ लेके चलती है, मुसलमान को भी, हिंदू को भी, दलित को भी, ईसाई को भी, सिख को भी, सब धर्मों को आदमियों को साथ लेके चलती है। मैं भी मुसलमान हूँ कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, इंशाल्लाह बढ़िया मुसलमान हूँ। मुझे सर ये बताइए, आपको बता रहा, मैं आपसे सवाल कर रहा, यहाँ पे जिला पंचायत का इलेक्शन हुआ अभी, 15 सीटा जो जीती है वो जीती बीजेपी। कौन सी 15 सीट जो यहाँ पे विधानसभा से? अरे बेट विधान जिला पंचायत से, विधानसभा की मुजफ्फराबाद की बात कर रहा हूँ मैं, बेट विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं। 15 सीट बीजेपी जीती यहाँ से, 35 सीट वो लोग जीते हैं जो बीजेपी को हरा रहे थे, और यहाँ से निर्विरोध चुना गया योगेश पुंडीर बीजेपी का। क्यों बताओ सरकार है वो तो निर्विरोध क्यों चुना जाएगा, इसलिए ये क्या जवाब है? अच्छा ये बताओ स्टेज से धक्के क्यों मिल रहे अखिलेश, जब सबको दलित से मार? ऐसे है भाई साहब, मेरी बात सुनिए, सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए। सच्चाई सच कड़वा होता है, अच्छा सुनना चाहिए। अच्छा सच कड़वा होता है, भीड़ है जी, भीड़ में अगर जो मेरा हाथ आपके पास लग गया, अच्छा या कुछ भी हो गया, वीडियो निकाल लो, ऐसा हो गया तो जो है ये धक्का नहीं होता। मुसलमान कल भी सपा पार्टी में राजा था, अच्छा, और आज भी राजा है, गुलाम है, गुलाम गुलाम कहीं नहीं है। सिर्फ सवाल मेरा सुन लीजिए, अब आपने कहा कि समाजवादी पार्टी सेकुलर पार्टी है, सवाल सुन लीजिए पहले, आपने कहा समाजवादी पार्टी सेकुलर पार्टी है, सैफ मुख्तार अंसारी के भाई सैफुद्दीन अंसारी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि आज बलिया के कुछ नेतागण ने समाजवादी ज्वाइन की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे लेकर ट्वीट करते हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम की जगह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी लिखते हैं, तो कैसे सेकुलर हुई? कौन? अखिलेश यादव क्या लिखते हैं? मुस्लिम अंसारी के भाई सैफुद्दीन अंसारी समाजवादी ज्वाइन करते हैं तो वो कहते हैं, ट्वीट करते हैं कि कुछ नेतागण ने आज समाजवादी पार्टी का ज्वाइन, समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर जब वो ट्वीट करते हैं तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी लिखते हैं, उसमें मुस्लिम नहीं लिखते, तो सेकुलर कैसे हुए? मुझे ये बता दें भाई साहब, एक बात बताइए, क्या नाम है आपका? सलीम नाम है। सलीम भाई एक बात बताइए, सपा सरकार में मुसलमान किस हौदे पे था? किस हौदे पे था? हमारे आजम खान साहब
देखा कितने मंत्रालय थे उनके पास, बिल्कुल कितने मरान साहब का नाम लिया, उन्हीं की सरकारी, उनकी सरकार है क्या, अब उनकी सरकार है क्या, उनकी सरकार है क्या, ये बताओ भाई, अगर जो सरकार उनकी है क्या, ये बताओ, जब मुलायम मौजूदा, जब मुलायम सिंह मोहन भागवत से आरएसएस प्रमुख से मिल सकता है, अखिलेश योगी से मिल सकता है, तो क्या बकरी चोर किताब चोर के मामले में उससे नहीं मिल सकता कि भाई उसे छोड़ दो तुम, उससे नहीं मिलना है, उससे नहीं मिलना है, ये मामले में सुनिए, उससे नहीं मिलना है, वो मुसलमान है भाई साहब, भाई साहब ने ये जो, भाई साहब ने ये जो कहा है कि भाई साहब ने, एक मिनट सर सुन तो लीजिए सर, सुनो सुनो भाई, भाई भाई साहब ने ये जो कहा है कि फिलहाल सपा की सरकार नहीं है, तो कोई बात नहीं, सपा की सरकार नहीं है, आपने कितने धरना प्रदर्शन किया उनके लिए, धरना प्रदर्शन कितने किए सपा वालों ने बतलाइए, धरना प्रदर्शन कितने किए सपा के लिए, आजम खान साहब से मिलने गए नहीं, सीएम साहब अखिलेश यादव शिवपाल यादव सब गए, जेल तक गए, मीडिया में है, एक मिनट मैं इनसे एक सवाल पूछ रहा, आप कितने पढ़े हुए, पूछो इनसे, अजी मैं तो अंगूठा छाप हूँ, छोटो बस खत्म करो, सुनो हम कई मगर व्यक्तिगत राजनीति, व्यक्तिगत बात मत करिए, व्यक्तिगत बात मत करिए राजनीति, अरे मुझे यूँ बता दे तू सरकार बना लेगा का, किस तरह बना लेगा सरकार, भाई आओ ऊपर, ना 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 मेरी बात, सरकार अगर आप, सरकार अगर आप लोग चाहोगे तो बनेगी, सरकार अगर आप लोग चाहोगे तो बनोगी, बस सुनो, बस सोच के ही सरकार बन सकती है, वैसे नहीं बन सकती, अगर जो मैं चाहूंगा मैं मुसलमान हूँ मैं कर दूंगा कुछ नहीं है, किसका वोट तबा कूद रहा अखिलेश बता मुझे, क्या परसेंट है, सबके 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 सबका सीएम है, सबका मुख्यमंत्री अखिलेश, हमारा योगी आदित्यनाथ भी है सीएम, तो हमारा योगी आदित्यनाथ भी है सीएम, तो वो भी है हमारा सीएम, तो सबका होता है सीएम, किसी का बने सीएम सबका होता है, लेकिन वोट आप टोपी पहन के वोट, इसे टोपी पहना दो, मैं तो अखिलेश का दीवाना हूँ, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव ये पहनने के गुलाम है, ये गुलाम है जो सच्चाई की बात करता है, नहीं भैया मेरे लिए मिल जाए, मेरा अपना प्लॉट पड़ा है, मेरा अपना प्लॉट पड़ा है, मेरा प्लॉट पड़ा है, मैं प्लॉट में आया, स्पेशल भेजे गए हैं मुखालफत के लिए, बनी डाल के ना, मुसलमान बेवकूफ नहीं है, इन्हें ये पूछो चेक कितने का दिया है, भैया बात सुनो, मेरी बात, एक मिनट मेरी बात, इतने एक मिनट में इतने आदमी हम आए के ले तो समाजवादी का, बाकी तो सारे मैं इनके खड़े कर पा, एक आधा तो वही कर रहे और किस सफाया करवाओगे इसका, समाजवादी का बिल्कुल ही, इसका तो सफाया होने जा, भाई मेरी बात, ये तो छोटा भाई हमारा साथी है, हमारी पार्टी में आएगा, इसी पार्टी में आएगा, यो यो भाई हमारा बह गया, इसे बहका दिया, ये तो कुछ दिनों में जो जुम्मन भाई है ना हमारे, वो सब इसी में आएंगे, सहज सहज जुम्मन, ये जुम्मन है, ये दरी गैंग है, दरी गैंग, ये जुम्मन है, दरी गैंग है, ये हमारे भाई हमारे पास में, ये इनके तेज मिर्चों की कमी है, ये जो है ना मुंह से खा लिया और वैसे कर दिया काम, ऐसा है सब, यही तो अकमल यू कर दूंगा मैं, पाट दूंगा मैं, चीर दूंगा, क्या करा कुछ करा भी, मेरी बात सुनो, अल्ताफ को 2 फुट की 20 से लटका के मारा गया, अल्ताफ को 2 फुट की 20 से लटका के मारा गया, अखिलेश कुछ नहीं बोल रहा, मनीष मरा 5 करोड़ रुपए दिया नौकरी दी 20 लाख हर नौकरी दी, बताओ ये देंगे इस चीज़, ऐसा है क्या, इनका सवाल ये है, मेरा सवाल जो जो इन्होंने कहा वो सुनिए, इनका सवाल ये है कि मनीष गुप्ता मरता है तो अखिलेश यादव 20 लाख का चेक लेके चले जाते हैं, उन्नाव में फैसल का घर पड़ता है वहाँ नहीं जाते हैं, फैसल की हत्या हुई थी उस पर नहीं जाते हैं अखिलेश यादव, इस पर जवाब दीजिए, मेरी बात सुनिए, अगर जो कोई मुसलमान मरता है तो क्या है हमारे हिंदू भाई साथ नहीं देते उनका, देते हैं नहीं देते हैं, हमारे से ज्यादा आपको पता है, देते हैं ना, नहीं वो तो एक भाई, आपसे 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 भाईचारा है ना, आपसे भाईचारा है, वो तो आपसे भाईचारा, उनका मतलब ये है, हमारे मुसलमानों में कुछ लोग तेज होते हैं कुछ ठंडे होते हैं, कुछ तेज होते हैं कुछ ठंडे होते हैं, हिंदू भाई के साथ गए हरिद्वार में, अभी धर्म संसद हुई उसके अंदर हमारा कौन हिंदू भाई बोल रहा हमारे पक्ष में कि भाई हम तुम्हारी साथ खड़े हैं, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, बताओ इनसे, ये बताइए ये मेरा भाई छोटा भाई, ये मेरा एक मिनट ये मेरा छोटा भाई
यहाँ इस मजलिस में, इस जलसे में क्यों आया? इसका दिल ही तो तभी तो आया। अब सुनो, प्लॉट है यार, मेरा प्लॉट है, मेरा प्लॉट है। आप प्लॉट में नहीं, आप यहाँ, आप यहाँ समझ इसके आदमी सामने हैं। ये जज्बाती राजनीति, इन ऐसे लोगों की वजह से जज्बाती राजनीति हो जाती है। और मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये कह रहे हैं कि सरकार बना लेंगे, सरकार ना बने लेकिन अपना वजूद तो पता लगेगा। अखिलेश के दिमाग में जो गलतफहमियां घूम रही हैं कि मुसलमान से मतलब जो है किसी और पार्टी से उसको मतलब गठबंधन नहीं करना, ठीक, कम से कम अपना वजूद तो बनेगा। अब ऐसी साहब जो लेकर चल रहे हैं, जो उनका मकसद है, एक मुसलमानों की आवाज़ तो है भाई, मुसलमान की आवाज़ तो है, हमारा मकसद है उनके साथ। भैया मेरी बात सुनिए, बिहार में क्या हुआ? बिहार में क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बताओ? बिहार में क्या किया? बिहार में क्या किया इन्होंने भाई? बिहार में क्या किया? सरकार बनती बनती रह गई, बेनिफिट होता इतना फायदा नहीं हुआ जितना नुकसान। जवाब मैं दे रहा हूँ, बिहार में क्या हुआ? बिहार में ये हुआ कि तेजस्वी यादव ने उनकी बात नहीं मानी, नहीं मानी ना, तो 50 पे 100 पे 150 पे मतलब कुछ सीटें रह गई, रह गए। अगर मानते आज सरकार उनकी होती, यहाँ अखिलेश जी बात नहीं मान रहे। अखिलेश जी को गलतफहमी है कि मुसलमान की मजबूरी है कि कहाँ जाएगा। मुसलमान की मजबूरी नहीं है, मुसलमान के पास तो विकल्प है, असदुद्दीन अवैसी है। मुसलमान का वजूद अब की बार पता लगेगा प्रदेश के अंदर। आप कह रहे हो भाई, अखिलेश बिहार का हाल यह है यहाँ कि तेजस्वी यादव ने जो है ना ओवैसी की बात नहीं मानी कुछ सीटों पर, तो मां हाल उनका खराब हुआ। अगर यहाँ हमारे मुख्य जो पहले मुलायम सिंह है, अगर नहीं मानेंगे तो वो भी अपना हाल यही देखेंगे, उन्हें मानना चाहिए। मान लिया ना इन्होंने, सीधे सीधे बीजेपी को फायदा, बस हो गया। ये यही तो कह रहे हैं, ये एक मिनट सवाल, इनका कहना, इनका कहना यही तो है, जैसे बिहार में हर वाद या ऐसे यूपी में भाई गठबंधन से तो नहीं लड़ी वहाँ सरकार।